ऑल राइट गाइज़, वेलकम बैक टू एफ जे की टेक पाठशाला। आई होप गाइज़ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं किन्स्को कंपनी की तरफ से आने वाला एक वाटर प्योरीफायर यानी कि एक आरओ की, जो कि काफ़ी बजट में है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, तो देख सकते हो कि मुझे डिलीवरी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट वर्क मिलता है यानी कि वारंटी कार्ड मिलता है, जिस पे कुछ इस पे बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं कैसे हमें इंस्टॉल करना है। तो फटाफट से एक बार इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या अंदर दिया हुआ है। देख सकते हो इसमें प्रोसेस दी हुई है स्टेप बाई स्टेप, तो इतना डिटेल में इसमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ। ये वारंटी कार्ड है, यहाँ पर आप एंट्री करा के ऑनर का नाम वगैरह है, इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेना पड़ेगा या आप टिल्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसे डाउन करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। देख सकते हो कि सबसे पहले हमें इसकी पूरी पाइप मिलती है, ये अप्रॉक्स 2 मीटर के आसपास थी। इसको रखते हैं साइड में और अपने आरओ को हम बाहर करते हैं। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट व्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी पॉलीथीन को हम हटाते हैं और देखते हैं। लुक वाइज ये काफ़ी अमेजिंग है, और बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये प्लास्टिक यानी फाइबर मेड है। और देख सकते हो कि जैसा कि ये कॉपर मेड है तो इसके थोड़ा सा फील देखने में भी, ये प्लास्टिक जो यूज़ की गई है वो कॉपर कलर की गई है, तो ये काफ़ी प्यारा सा लुक में आता है। और ऊपर की बॉडी इसकी ट्रांसपेरेंट है, और अगर प्लास्टिक की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। और देख सकते हो स्क्रू की हेल्प से इसे ऊपर टाइट किया गया है। और बैक पोर्शन की अगर मैं बात कर दूं कि इसकी होल्डिंग के लिए, तो आप देख सकते हो कि नीचे 2 स्क्रू का सेक्शन दिया हुआ है, आप दीवार में 2 स्क्रू लगा के उसे होल्ड कर सकते हो। और ये 2 के सपोर्ट से ही 15 लीटर का टैंक है इसका, ये पूरा होल्ड कर लेगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। इसके अंदर एक एसेसरीज़ का बॉक्स था, और बॉक्स के ऊपर जैसे हम जब ओपन कर रहे थे ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसपे मेंशन था कि इनसाइड इसके एसेसरीज जो है इसके अंदर एक बॉक्स में है। तो ये बॉक्स हमें मिला था, बॉक्स को हमने ओपन किया। देख सकते हो सबसे पहले हमें प्राइमरी फिल्टर मिलता है जो हमारी डस्ट वगैरह फिल्टर करता है। इसी के अंदर ये बगल में आप देख सकते हो कि ये हमारा एक फ़िल्टर है, ये खोल के हमारे ये ब्लैक वाले फ़िल्टर के बॉक्स में हमारा लगेगा। और जो छोटी छोटी एसेसरीज़ हैं, ये पैनर आपका हो गया ओपन करने के लिए फ़िल्टर को, और ये छोटी छोटी एसेसरीज़ जो आपकी टैप में वाटर सप्लाई में कनेक्ट होगा, और ये हमारा फ़िल्टर के टैप लगेगा जो हमारा फ़िल्टर होने के बाद हम अपने टैंक से निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी असेंबली करते हैं और कैसे हमें फ़िट करना है वो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, हमने अनबॉक्सिंग कर ली है और पूरा सेटअप कर लिया है हमारे किन्स्को का। देख सकते हो कि हमने कैसे वाटर सप्लाई वगैरह दी है। तो एक बार मैं इसे पास से आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने सप्लाई दी है। तो अब देख सकते हो टैप का कनेक्शन मैंने दिया है, ये सब कुछ मुझे बॉक्स में ही मिला था। तो वाटर की सप्लाई मैंने यहाँ से दी है, यहाँ से आप रेगुलेटर है, आप यहाँ से पानी की सप्लाई बंद कर सकते हो। और यहाँ से एक कनेक्शन जो पाइप आया है सीधा आपका यहाँ से इनलेट के सेक्शन में आया है, ये इनलेट का सेक्शन हो गया। फिर यहाँ से जो आउटलेट का सेक्शन है, आप यहाँ से ये वायर आप देख सकते हो कि आने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर इनलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आउटलेट है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये पूरा बॉक्स अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये बॉक्स का पूरा सेटअप ऐसे रहता है, बॉक्स में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इनलेट और आउटलेट का। इसको मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि मुझे आज इसका TDS सेट करना है। तो TDS सेट करने के लिए देख सकते हो कि ये हमारा आउटफ्लो ड्रेनेज जो गंदा पानी है वो हमारे यहाँ से बाहर जाता है, और लास्ट में फाइनली फिल्टर होने के बाद ये वाला सेक्शन है, यहाँ से हमारा पानी आता है और ये अंदर जाके इसी बॉक्स में हमारा फिल होता है। ये हमारा पूरा टैंक है। तो ये देख सकते हो मल्टीपल स्टेजेस हैं जहाँ पे फिल्टर होता है। जैसे कि ये हमारा सेडिमेंट्री फिल्टर, सबसे पहले हमारा यहाँ से इनलेट में वाटर आता है, जैसे ये नॉर्मल फिल्टर है जिसमें हमारी डस्ट वगैरह जितने आपके पानी में अंदर जैसे बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे सैंड वगैरह आती है, बालू जिसे बोलते हैं, वो आती है, तो इसमें सबसे पहले फिल्टर हो जाती है, जिसे हमें यही वो फिल्टर होता है जिसे हमें 2-3 महीने पर चेंज करना होता है। मार्केट से आपको 100-200 रुपये का मिल जाता है। और यहाँ से सीधा पानी आउटलेट में सबसे पहले आता है आपका सेडिमेंट्री फिल्टर, जो ये वाला फिल्टर है, उसके बाद आपका आता है यहाँ से आरओ में। ऐसे ही मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, फाइनल स्टेज में आपका पानी यहाँ से प्योर होकर यहाँ से मिल जाता है, यही आपका टैंक में जाता है। तो यहीं से हमारा सेटअप होगा हमारा TDS। तो इसको हम चेक करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं कि पानी बाहर जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाल्व दिया हुआ है, रेगुलेटर दिया हुआ है,
ब्लू कलर का आप देख सकते हो, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। जब आपका आर ओ आपको मिलता है तो ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, जिसका टीडीएस मैंने मेजर किया था तो अप्रॉक्स ये 15 समथिंग था, जो कि काफी हार्मफुल है। पानी तो मतलब तीखा तीखा सा लग रहा था, आर ओ वाला बिल्कुल फील अच्छा सा आ रहा था, लेकिन काफी हार्मफुल है रेगुलर यूज के लिए। तो हमें टीडीएस सेट करना है अप्रॉक्स 120 प्लस के आसपास। ये हमारा TDS मीटर है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, अप्रॉक्स 199 के आसपास का मिला था। इससे हम मेजर कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हम अपने टैंक के वाटर को मेजर कर लेते हैं कि कितना TDS आता है। तो एक बार हम टैंक के वाटर को मेजर कर लेते हैं कि हमारा कितना TDS आता है। तो इसके लिए हम टैप से सीधा वाटर ले लेते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं और अभी आप देख सकते हो सीधा हमारा जो डायरेक्ट हमारा नल का पानी है उसका TDS दिखा रहा है अप्रॉक्स 419, जो कि मतलब उतना गंदा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर चाहें तो नॉर्मली पिया जा सकता है, बट और बेटर बनाने के लिए हमने आर ओ ले लिया और इसका TDS हम करेंगे अभी देख सकते हो 436। थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसको हम क्लोज करते हैं और अब अपने आर ओ को ऑन करते हैं। आर ओ को हमने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी जो सारे चैम्बर हैं वो फिल होंगे, उसके बाद आपका पानी बाहर आएगा। अब देख सकते हो आर ओ स्टार्ट हो चुका है, ब्लिंकिंग हो रही है आपका फिल्टर होने के बाद। ये देख सकते हो कि ड्रेनेज में गंदा पानी आ रहा है, अभी ये फिल्टर होने के बाद अभी आपका पानी नहीं आया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अभी देख सकते हो कि फिल्टर होकर पानी हमारा आने लगा है। तो बाय डिफॉल्ट इसका TDS काफ़ी कम रहता है, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए थे, तो अभी देख लेते हैं कि हमारा TDS कितना है। तो एक बार हम अपने इसके TDS को चेक कर लेते हैं, जो आउटपुट से TDS हमें मिल रहा है। अभी आप रीडिंग देख सकते हो, तो ये अप्रॉक्स 72 के आसपास है और देखते हैं, दो मिनट वेट करके देख लेते हैं कि हमारा क्या रहता है। अब दोनों में देख सकते हो कि आउटलेट वाले से पानी ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा TDS काफ़ी कम है। जब अगर आपका इनलेट से जो हमारा फिल्टर होकर पानी मिल रहा है, जो हमारा पानी फिल्टर होकर बाहर आ रहा है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है और ये वाला जो आउटलेट से पानी है, जो गंदा पानी बाहर जा रहा है, वो कम है, ये समझ लीजिए आपका TDS काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि यही जो गंदा पानी यहाँ से फिल्टर होने के बाद एक स्टेप पहले, मतलब यहाँ से फाइनल आउटपुट देने से पहले, बाहर फिल्टर होकर आने से पहले एक स्टेप पहले, वो दोनों अलग होते हैं। तो TDS हमें जब बढ़ाना होता है तो यही गंदा पानी हम इस वाले में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह जिसका हमें यहाँ पे रेगुलेटर मिल जाता है, आप देख सकते हो, उसी की हेल्प से हम इसी को मिक्स करते हैं ताकि इसका जो बाहर हमें TDS गंदा होकर बाहर पानी निकल रहा था, उसका TDS हमें इसमें मिक्स होकर मिल जाता है, तो TDS हमारा ये बढ़ जाता है। अगर मैं इस गंदे पानी का ड्रेनेज, जो गंदा पानी है, इसका मैं TDS चेक कर लूँ, तो आप देख सकते हैं इसका TDS हमारा 600 प्लस है, यानी कि 626 के आसपास। और जो हमारा अभी फिल्टर होकर पानी आ रहा है, इसका हम TDS देख लेते हैं, इसका TDS हमारा हो गया अप्रॉक्स 87। पानी पीने में तो काफ़ी टेस्टी होगा, बट रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी ये हार्मफुल है। और देख सकते हो ये ब्लू कलर का जो रेगुलेटर है, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल करूँगा क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये दोनों हमारा पानी का सेक्शन है। अगर जैसे इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, देख सकते हो कि जैसे कि मैंने लेफ्ट के साइड में मूव कराया, तो हमारा जो आउटपुट वाला वाटर है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई, और जो हमारा इनपुट वाला है, देख सकते हो इसका स्लो हो गया। इसका मतलब इसका TDS हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका TDS हमारा बढ़ गया, क्योंकि ये जो गंदा पानी है ये कम हो गया, स्लो हो गया। ये गंदा पानी था वो हमारा इसमें ज़्यादा मिक्स हो गया, इस वजह से इसका TDS बढ़ गया और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दो मिनट का वेट कर लेना है, क्योंकि ये TDS चेंज होता रहेगा, क्योंकि अंदर भी पानी कम TDS का है, ज़्यादा TDS का, जैसे आप तुरंत बढ़ाते हो वापस में मिक्स रहते हैं, मिक्स होकर आते हैं। तो फाइनल दो मिनट चलने के बाद आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अभी आप देख सकते हो मेरा 409 के आसपास TDS हो गया, जो हमारा फिल्टर होकर वाटर मिल रहा था, आप देख सकते हो 409 के आसपास। और हमारा जो गंदा पानी है उसका TDS हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा गंदा पानी है उसका हमारा TDS है 450, उसका भी 450 के आसपास है। इसका मतलब हमारा पानी, ज़्यादातर गंदा पानी इसी में मिक्स हो गया, यानी कि TDS काफ़ी हाई हो गया। तो हम इसको यहाँ से डिक्रीज करेंगे, अगर हम राइट साइड में रोटेट करते हैं तो थोड़ा सा फिल्टर दो मिनट के लिए ज़्यादा आवाज़ करेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। अब देख सकते हो गंदा पानी हमारा बढ़ गया है, काफ़ी तेज़ी से आ गया, और जो हमारा आउटपुट वाला पानी था उसकी स्पीड कम हो गई, ये फिल्टर मतलब स्लो करने लगा, और धीमे धीमे इसकी स्पीड कम होगी। तो दो मिनट वेट करने के बाद आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको मेज़र करना है, और आपको जहाँ पर आपको स्टेबल मिलने लगे, दो मिनट पाँच मिनट वेट करके आप मेज़र करिए, तो जहाँ पर आपको TDS मिलने लगे जो आप सेट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 150 के आसपास आप सेट करें तो काफ़ी बेटर होगा डेली यूज़ के लिए। अब देख सकते हो कि हमारा फ्लो कांस्टेंट हो गया है, यानी कि जो आउटपुट वाला है ये काफ़ी तेज़ आ रहा है, ये वाला स्लो हो गया था। एक बार फिर से हम मेज़र कर लेते हैं,
एक बार इसको फिर से हम पानी को ले लेते हैं जो हमारा आउटपुट वाला है, हमें आउटपुट से ही मेन मतलब है। तो अभी भी TDS 398.1 थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 334 के आसपास अभी भी है, अभी भी TDS हमारा काफ़ी ज़्यादा है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। 241 देख सकते हो कि अभी डिक्रीज़ हो रहा है ये, क्योंकि पहले जो हमने हाई किया हुआ था, TDS हाई किया था, तो उसका भी अभी पानी इसमें मिक्स होकर आ रहा है, इस वजह से TDS है अभी थोड़ा थोड़ा ये स्टेबल हो जाएगा। देख सकते हो फ्लो भी काफ़ी डिफरेंस हो गया है, गंदा पानी ज़्यादा आ रहा है। 5 मिनट के बाद जो प्योर जो हमारा TDS एक्चुअल है वो हमारा आउटपुट में आने लगेगा, पानी जो हमारा फिल्टर करके दे रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हो कि हमारा TDS हो गया 134-133 के आसपास। तो ये मुझे लगता है कि हमारा TDS एक्चुअल हो चुका है, तो यहीं पे हम इसको सेट करके छोड़ देते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको फिट करना भी प्रोसेस आ गया होगा। जो आपका वायर है ये आपको बीच में कोई सा सेटअप नहीं करना है, आपको कंपनी पूरा सेटअप करके बीच में देती है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे आपको प्लम्बर को बुलाना है या खुद भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कनेक्शन को आपको करना है और इसका स्क्रूव की हेल्प से स्टैंड बनाएंगे। हमने फिल्टर को भी यहाँ पीछे लगा रखा है, सीधा सिर्फ आपको ओपन से ओपन करना है, बस पाइप को आपकी अपनी लेंथ के हिसाब से कट करना है और सेटअप कर देना है, बाकी सारा प्रोसेस अपने आप होता है। TDS आपको हाँ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट बहुत कम आता है, मैंने मेज़र किया था 15 के आसपास था, तो 15 काफ़ी कम होता है, काफ़ी पानी तीखा तीखा सा लग रहा था, पीने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, फील आता है कि भाई हाँ RO का पानी है, बट काफ़ी हार्मफुल होता है लॉन्ग पर्पज के लिए, डेली यूज़ के लिए। और सबसे प्लस पॉइंट ये RO मुझे 4000 में ही मिल गया था, तो जो कि काफ़ी वर्थ है। अगर आप किसी सेटअप करने वाले को बुलाते हैं या इंस्टॉलेशन के लिए किसी कस्टमर सपोर्ट से बंदे को बुलाते हैं, सर्विस वाले बंदे को बुलाते हैं, तो वो इसके लिए चार्ज करता है अप्रॉक्स 699 यानी 700 रुपये के आसपास। तो अगर आप खुद से चाहें, अगर आपको 700 रुपये नहीं एक्स्ट्रा पे करने, तो खुद से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, मैंने खुद से किया है और मैंने आपको सारी प्रोसेस बता भी दी है।